स्टूडेंट आप देखिए कि एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, सिंप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं, तो इसको हिंदी में हम लोग घातांक भी बोलते हैं। लेकिन एक जो सिंप्लीफिकेशन मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इसमें लास्ट तक देखेंगे आप लोग, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, -2, सॉरी माइनस को लेके नहीं चल रहे अभी हम लोग, माइनस हटा देते हैं ये सॉल्यूशन में। तो ये हो गया 2 पर पावर -1 इंटू 5 पर पावर -1 और होल स्क्वायर पे -1 का पावर डिवाइडेड बाय 4 पे पावर -1। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर किसी भी नंबर पे -1 का पावर होता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू, इसी तरह से अगर 5 पे -1 का पावर है तो हम लोग इसको तो लिख दिए 1/5, और ये एज इट इज आपका रह गया -1 डिवाइडेड बाय, ये उसी तरह से 4 पे पावर -1 है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1/1 सॉरी 1/4, और ये पावर खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको अगर हम लोग इंटू कर देते हैं 1/10 हो गया -1, और डिवाइड हमेशा क्या होता है, जब डिवाइड करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को तो इंटू हो जाता है और ये नंबर लड़ जाता है 4, यानी 4/1। और यहाँ पे फिर पूरे पे पावर -1 है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें भी उल्टा हो जाएगा, -1 का पावर मतलब नंबर लड़ जाना, 1/10 है तो क्या हो जाएगा 10/1, पावर खत्म हो गया इसका 10/1, और यहाँ पे हो गया 4/1। 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, 4 × 10 यानी 40, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 40। तो स्टूडेंट्स अगर मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था बहुत इजी तरीके से, तो अगर समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।